देखें, दैट वॉज इंसुलिन शॉक थेरेपी। ये भी स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को दिया जाता था। बेसिकली इसमें क्या किया जाता था, जैसे आपको मालूम है इंसुलिन कब दी जाती है, जब शुगर लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो इंसुलिन दी जाती है ताकि शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, या फिर हमारे पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो इंसुलिन शॉक थेरेपी ये होती थी कि नॉर्मल जो स्किजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें नॉर्मल शुगर लेवल होता है, तो उसमें इंसुलिन जब इंजेक्ट करते थे तो उनकी बॉडी में वो जो है शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता था। वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में पहुंच जाते थे, जिसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी कोमा होता था। उसके बाद फिर कुछ देर बाद जो स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स थे उन्हें शुगर एडमिनिस्टर किया जाता था, जिससे उन्हें लगता था कि जो पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये भी तकरीबन 10 साल के लिए ट्रीटमेंट यूज होता रहा, दैट वॉज बिटवीन 1940s टू 1950s के दरमियान। इसके अलावा एक और जो ट्रीटमेंट इस एरा में यूज हुई, जो 1960s में यूज हो रही थी, दैट वॉज यूज ऑफ फ्रंटल लोबोटोमीज। अब ये क्या है, ये है कि फ्रंटल लोब के कुछ पार्ट्स को कट कर दिया जाता था। वो कहते थे अगर फ्रंटल लोब के कुछ पार्ट को कट कर दिया जाए तो जो जो स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स, उन्हें इंटेंस लेवल की एजिटेशन होती है, डिल्यूजन्स होती हैं, यानी फॉल्स बिलीव आई एम द हेड ऑफ द स्टेट, या फिर फॉल्स परसेप्शन होती हैं कि कुछ होता नहीं, नजर आ रहा होता है कुछ, कोई बोल नहीं रहा होता, सुनाई दे रहा होता है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो कहते थे अगर फ्रंटल लोब के कुछ एरिया को कट कर दें तो ये जो सिम्टम है इनमें कमी आ जाती है। तो अगर हम देखें तो ये एक किस्म का बारबेरिक ट्रीटमेंट था कि एक क्लाइंट है आप उसके फ्रंटल लोब के कुछ पार्ट्स को ही कट कर रहे हो। बट अगेन ये है कि उस वक्त ये ट्रीटमेंट यूज होता था, आजकल नहीं होता। आगे हम स्टडी फिर बाद में लास्ट में स्टडी करेंगे कि आजकल स्किजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए साइकेट्रिस्ट अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट कैसे कर रहे हैं। लाइक मीन वाइल हमने ये स्टडी किया कि पास्ट में स्किजोफ्रेनिया को कैसे ट्रीट किया जाता था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कैंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट अपडेट अबाउट न्यू वीडियोज़। थैंक यू।